मित्रों नमस्कार। आज हम डाटकाली मंदिर देहरादून में, जैसे कि हमने थोड़ी देर पहले आपको वहाँ से दर्शन करवाए थे, और ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं हिमांशु। आप देख सकते हैं भीड़, श्रद्धालुओं की भीड़ कितनी है। आप जहाँ देखें वहाँ भीड़ होती है, और खासकर मंदिरों में। धन्य है हमारे सनातन संस्कृति के लिए। वैसुदेव कुटुंबकम जो संदेश पूरे संसार को पहुँचता है। धन्य है हमारे संत महात्माओं के लिए, जिन्होंने हमें इस विचारधारा का ज्ञान दिया कि पूरा संसार एक परिवार है। और यहाँ पे जितने भी मानुष आ रखे हैं, सबका एक ही ध्येय है, सुखी संसार, सुखी परिवार, और सबका जीवन आनंदमय है रहे। प्रभु सबकी मदद करे, इससे बढ़कर क्या चीज़ होती है। श्रद्धालुओं की भीड़ देखते हुए लगता है कि ये मंदिर कितना प्रसिद्ध है, और हमारा तो यहाँ पर अकस्मात आना हुआ है। सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ होगा और हम यहाँ पर आएंगे। आप देख सकते हैं कितना भव्य मंदिर है, और हमें तो इतना ज्ञान भी नहीं है यहाँ पे क्या चढ़ाते हैं, लेकिन चलो हम आए हैं तो दर्शन करके जाएंगे। जो भी लेके जाएंगे माता जी लेके जाएंगे, हम दे तो कुछ नहीं सकते हैं, हम तो लेने ही वाले हैं, क्योंकि जो भी दिया है माता ने दिया है। तो देखो, आप देख रहे हैं कि श्रद्धालुओं की भीड़ खासा लगा हुआ है, और तो आप देख रहे होंगे यहाँ भंडारा चल रहा है। किसी भक्त ने बड़ा दिल दिखाकर आज भंडारा किया हुआ है। लोग देखो बड़े आनंद से पर्व भोज का आनंद ले रहे हैं, और जो पर्व भोज का आनंद ले रहे हैं वो तो है, साथ ही साथ में जो पर्व भोज जो परोस रहे हैं वो भी बड़े आनंदित हैं। और इस आभा मंडल में आकर इतना आनंद आ रहा है, इतना आनंद आ रहा है कि इसका कोई उल्लेख नहीं कर सकते। बहुत गजब का अद्भुत दृश्य है, और मैं भगवान एवं माता जी से प्रार्थना करता हूँ कि जो ये भंडारा करवा रहे हैं इनके जीवन में सदैव मंगल हो, इनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और होगा भी क्यों नहीं, इतने दिल से तन मन धन से इन्होंने सेवा कर रहे हैं तो जनता की, बहुत अच्छा लग रहा है। मित्रों धन्य है हमारे सनातन संस्कृति के लिए, जिस संस्कृति में इतना उदारपन है, जिस संस्कृति में इस प्रकार के विचार संग्रहित हैं, जिस संस्कृति में सबका साथ सबका कल्याण के लिए मंदिर में प्रार्थना की जाती है, धन्य है उस सनातन संस्कृति के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है। कभी अगर माता रानी ने हमको भी अगर सौभाग्य दिया तो हम भी ज़रूर इस प्रकार का भंडारे का आयोजन करेंगे, और हमें भी अच्छा लगेगा। तो माँ भगवती से यही प्रार्थना है कि हमें भी ऐसा कार्य करने का एक बार सब अवसर दीजिए। देखो मित्रों, ये हम अभी
माता जी के दर्शन करके आ रहे हैं और आप देख सकते हैं कितना सुंदर वातावरण है और बहुत आनंद आया। ये डाटकाली भद्रकाली मंदिर है जो देहरादून में स्थित है। आप जब भी देहरादून आए तो आप भद्रकाली माँ के दर्शन जरूर कीजिए। अब हम वापस घर को जा रहे हैं।